सालों ने मेरा स्क्रीन शॉट निकाल दिया, बस यहाँ फॉरवर्ड कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। तो सो ही तो रही थी उठाई थी। What is up YouTube? Welcome back to KSF Academy. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज मैं ऐसे लैब कोट एंड अपने यूनिफॉर्म में क्यों। आज का वीडियो यार काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं काफ़ी डीपली उस चीज़ से अफेक्ट हुआ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये न्यूज़ आप लोग तक लानी चाहिए। आज का वीडियो कोई भी प्रॉपर आर्म रेसलिंग या आर्म रेसलिंग के न्यूज़ से रिलेटेड नहीं होने वाला है। सो अगर कोई आर्म रेसलिंग के न्यूज़ के लिए आया है सो प्लीज़ आप अभी बंद कर सकते हैं वीडियो। जो वीडियो है वो एक डीप मैसेज रख रहा है समाज के लिए और क्या हो रहा है इंडिया में, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। मैं खुद इस फील्ड से हूँ और एज एन इंडियन इट इज़ अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इतना लेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था क्योंकि इतने अलग अलग न्यूज़ आ रहे थे और इतनी अलग अलग चीज़ें हमको पता चल रही थी रोज़ का रोज़ कि मैं खुद कंफ्यूज था कि मैं क्या बोलूँ लोगों तक। और इवन बीच में एक ऐसा इंसिडेंट भी हो गया था जहाँ पे खुद डॉक्टर्स के ऊपर ही ब्लेम लग गया था, जिसमें मेरे कुछ दोस्त ने मुझे टैग कर दिया था कि भाई तुम डॉक्टर बन रहे हो और आगे चल के तुम रेपिस्ट बनोगे। सो वो सबसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था मैं। बट हियर इज़ अ वीडियो फॉर यू गाइस। बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस कंडीशन है, बहुत लोग भड़के हुए हैं, बहुत लोग उस सिनेरियो से जूझ रहे हैं। और जब इतने टॉप प्रोफेशन के लोग उतर आते हैं स्टेज पे तो देर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग हैपनिंग इन इंडिया एंड उसके बारे में हम लोग बात कवर कर रहे हैं। मैं आप लोग को कोई भी केस सॉल्व करके या कोई भी कहानी वहानी नहीं बताने वाला हूँ जो कि बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट दैट फैमिली, आई रिस्पेक्ट दैट वुमेन दैट शी इज़ अ डॉक्टर एंड मैं कोई भी कहानी नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत लोग एज अ स्टोरी बना रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ था, वो मम्मी को ऐसे बोल रही थी, पापा को, वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं। एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उनके साथ में क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है, मैं उन्हें कैसे सपोर्ट कर रहा हूँ। और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंटरनेट पर मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिसकी वजह से मैं खुद दिमाग ख़राब हो गया मेरा कि मतलब ऐसे कैसे कोई हो सकता है। मतलब सीरियसली यार, डार्क कॉमेडी इंडिया में बहुत फेमस हो रही है। बहुत लोग डार्क कॉमेडी, डार्क सार्केज्म में एकदम बहुत टॉप लेवल के बनना चाहते हैं। मुझे कोई अगेंस्ट नहीं है यार, मतलब ओके, बट रेप विक्टिम के अगेंस्ट में डार्क कॉमेडी, इट्स नॉट फनी, इट्स रियली नॉट फनी। मैंने कुछ कंटेंट्स देखे एंड मुझे सीरियसली मैं एकदम शॉक हो गया। सबसे पहले तो एक गेट रेडी विथ मी सेशन आया था जिसमें सारा सरोज ने एक वीडियो अपलोड किया था, लाइक विद इन अ 5 मिनट्स उन्होंने वो डिलीट तो कर दिया, बट उसमें उन्होंने प्रॉपर कंडीशन ही बताई थी कि उन्होंने प्रॉपर सिचुएशन ही एक्सप्लेन किया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। बट उसमें वो गेट रेडी विथ मी वाला ट्रेंड कर रहे थे एंड आई मीन लाइक दैट इज़ रॉन्ग गाइज। उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था, उन्होंने उसके लिए अपॉलॉजी भी की, बट दैट वॉज नॉट लाइक आप बनाते टाइम भी कैसे सोच सकते हो। उनके बाद में वो एक छोटा लेवल था, लेवल बढ़ाते हैं, क्रीप्स इंडिया के एक इंस्टाग्राम का ग्रुप का वीडियो लीक हुआ। ठीक है, सब बोल रहे थे, मैंने बोल दिया बस मेरा क्योंकि बैंक शॉट मेरा वायरल चल रहा है तो सालों ने मेरा स्क्रीन शॉट निकाल दिया, बस ये यहाँ फॉरवर्ड कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। तो सोई तो रही थी उठाई जिसमें जो डेड बॉडी थी वो डॉक्टर की, उस पर वो लोग ने फनी मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम अभी तक सो क्यों रही हो। एंड आई एम लाइक सीरियसली लाइक यू गाइस कैन सी दैट कमेंट एंड ये वॉइस नोट आप सुन सकते हो। फिर एक मेहताब करके था जिसने तो एक डिस्गस्ट लेवल की सीमा ही पार कर दी, उन्होंने ये कमेंट किया था, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी बंदे का किसी का भी पर्सनल नाम या नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं विक्टिम के भी नाम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि रॉटन मेंटेलिटी कैसी होती चली जा रही है इंडियन यूथ की। मेहताब के बाद में एक और आया था ट्विटर पे ट्वीट जिसपे इसने इस तरह से लिखा हुआ था एंड ये हमारी मेंटेलिटी को ख़राब कर रहा था, ये उन रेपिस्ट के मेंटेलिटी को कह रहा था कि क्या है तू। आई मीन लाइक दिस इज़ व्हाट आर वी बिकमिंग एज अ यूथ, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। मैं ये लोग को रोस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये लोग के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आई एम जस्ट डिसहार्टेंड गाइज। मैं ये वीडियो पूरी वर्ल्ड के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे KSF फैमिली के लिए है। मुझे पता है कि यू गाइज आर अमेजिंग,
यू गाइज आर अमेजिंग, बट देर इज अ डायरेक्ट मैसेज फॉर यू गाइज, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग ऐसा डायरेक्ट रेगुलर बेसिस पे बातें करते हैं. नेवर इंटरटेन सच पीपल. अगर आपको कभी भी कमेंट सेक्शन में ऐसे कोई लोग दिखते हैं या कोई आपके सराउंडिंग में कोई आपका दोस्त है जो मस्ती मजाक में कभी भी ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें बोल रहा है किसी लड़की को लेके, कोई विक्टिम को लेके, वो डार्क सार्केज्म नहीं है गाइस, दैट इज़ नॉट अ डार्क सार्केज्म. आपको उसे वहीं पे एक अच्छा खासा डांट देना चाहिए. दैट इज़ द ओनली वे वी कैन लाइक प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सिस्टर्स फ्रॉम एक्चुअली गेटिंग सच थ्रेड्स. लाइक ये लोग ही होते हैं जो कि कल को कुछ और उल्टा सीधा बोलेंगे, परसों कुछ और उल्टा सीधा बोलेंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि हमने थोड़ी रेप किया था, मैं तो बस जोक मार रहा था. जोक मारने के लिए और भी कई सारी चीज़ें होती है. डार्क कॉमेडी है, अच्छी है, हम लोग भी करते हैं, बट विक्टिम से रिलेटेड नहीं. और थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं कोलकाता रेप केस में. हमारे कॉलेज ने भी एक प्रॉपर कैंप किया था, एक प्रॉपर रैली की थी इससे रिलेटेड, सब लोग गए थे एंड हर जगह से मेडिकल फील्ड वाले लोग उतर रहे हैं. ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस दिन रेप हुआ था उनकी फैमिली को उस दिन पता भी नहीं चला कि क्या सीन था. ये जो डॉक्टर थी ये सेकेंड ईयर पीजी रेसिडेंट थी, रेसिडेंट इन द सेंस कि इनको वो हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है पूरा दिन. सो ये 30 आवर्स का शिफ्ट करने के बाद में ये गए थे रेस्ट लेने के लिए सेमिनार रूम में. सेमिनार रूम हॉस्पिटल्स में एक ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह दी जाती है. ये वहाँ पे जाके रेस्ट कर रही थी एंड अकॉर्डिंग टू राइट नाउ अभी तक मीडिया से जो पता चला है कि इनका एक किसी बंदे ने जो कि पुलिस का कर्मचारी था उसने आके रेप कर दिया, संजय रॉय. बट द थिंग विच इज़ रॉन्ग हियर इज उनके बॉडी से पोस्टमार्टम के बाद में 151 मिलीग्राम ऑफ स्पर्म काउंट मिला है, विस्कस फ्लूइड मिला है. एंड एक नॉर्मल ह्यूमन बींग 10 ग्राम निकालता है. आई मीन लाइक अगर उसने 3-4 बार भी वो किया होगा तो भी लाइक एंड कंटेंट कम होते चला जाता है. सो 151 वॉज नॉट नॉर्मल एंड सो इट इज़ अ साइन ऑफ गैंग रेप. उनकी जो पेल्विक गर्डल थे वो 90 डिग्री पे मिले. कोई एक ह्यूमन बींग पेल्विक गर्डल को 90 डिग्री तक नहीं खींच सकता. कोई एक ये बहुत बड़ा केस है और ये इतना छोटे में नहीं है कि एक बंदे ने अपने आप को आके सरेंडर कर दिया, कह दिया कि मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है एंड अब मुझे जेल में डाल दो एंड विवन हो जाके कह दिया कि प्लीज़ फांसी दे दो मुझे. सो ये एक मेंटल डिसेबिलिटी या रिलेटेड भी केसेस बनाने की कोशिश हो रही है कि वो भी बच जाए, बट एक्चुअल में ये थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ी बात है एंड इट इज़ नॉट हाउ इट वॉज सपोज टू बी. जो भी केस है आई एम नॉट सी बी आई, ठीक है, बट चीज़ें दबाई जा रही है एंड वी सपोर्ट दैट वुमन, वी सपोर्ट दैट डॉक्टर. एंड अगर वो सेफ नहीं है अपने हॉस्पिटल, अपने वर्क प्लेस में अगर इंसान सेफ नहीं है तो फिर वो कहीं पे भी सेफ नहीं हो सकता है. लोग घर से वर्क स्पेस तक जाते हैं तो बीच में गाड़ी का नंबर दे देंगे या कॉल कर देंगे अपने भाई को, किसी को भी, बट घर आने के बाद में या वर्क प्लेस पहुँचने के बाद में भी अगर उसे डर लगा रहा है कि मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है तो क्या मतलब है फिर सेफ्टी का, क्या मतलब है इन राखियों का. सो दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज गाइस, प्लीज़ मेरा प्रॉपर कोई CBI रिपोर्ट तो नहीं है, आई एम सपोर्टिंग. मैं अपने कपड़े पहन के मैं प्रॉपर इन फिजिकल लाइफ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं रैली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ. ये पहली बात तो ये मेरी फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए कि गाइस इवन इफ़ यू फील लाइक एक बंदा भी हमारे कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी लड़की को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एंड इफ़ यू फील लाइक कि भाई इसमें लड़के ही गलती है, जस्ट लाइक उसको तुरंत स्लैम करो, इग्नोर मत करो, क्योंकि आज अगर हम इन्हें इग्नोर करेंगे तो कल को ये और बढ़ते चले जाएंगे. सो दैट इज़ ऑल गाइस, आज का वीडियो इसी बात पर ख़त्म करता है. न्यूज़ आएगी, थोड़ा सा हम लोग भी स्ट्रेस्ड आउट थे, फिर मिलते हैं, बाय बाय.